दिल्ली में बारिश के बीच करोल बाग में एक बड़ा हादसा हुआ है। एक पुरानी इमारत का हिस्सा ढह गया। यह मकान बापा नगर अम्बेडकर गली के हरध्यान सिंह रोड पर था। जानकारी के मुताबिक मकान के ऊपरी दो मंजिल ढह गए हैं। बिल्डिंग 3 मंजिला थी। हादसे की वजह से इस इलाके में सुबह हाहाकार मच गया। मकान के अचानक भरभरा कर ढह जाने से लोगों में चीख पुकार मच गई। हादसे में बगल के कुछ मकान भी चपेट में आए हैं। इस हादसे में मकान के मलबे में कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। दिल्ली फायर डिपार्टमेंट ने सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में सहायता के लिए 5 गाड़ियां घटनास्थल पर भेजी। दिल्ली में पिछले 2 दिनों से बारिश हो रही है। इस बीच करोल बाग में हुए इस हादसे की सूचना पुलिस को आज सुबह करीब 9 बजे मिली। तुरंत मौके पर दमकल की 5 गाड़ियां भेजी गई। तस्वीरों में देखिए कि किस तरह लोग मलबे में फंसे हुए हैं और रेस्क्यू टीम उन्हें निकालने की कोशिश कर रही है। घटनास्थल से इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहित ओम। बिल्डिंग आज सुबह के वक्त धरधरा के गिर गई और इस वक्त यहां पर लाइव रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। जो मलबे के अंदर दबे हुए लोग हैं उनको निकालने की कवायद चल रही है। आप देख सकते हैं कि एक शख्स किस तरीके से अंदर दबा हुआ है और वो अपने दोनों हाथ बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। इस बीच में दिल्ली फायर सर्विस की टीम मौके पर है और इसके अलावा दिल्ली पुलिस मौके पर है, जो कटर से सामान को काट रहे हैं और उस शख्स को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिस हेलमेट लगा के दिल्ली फायर सर्विस की टीम खड़ी हुई है, एक शख्स अंदर से हाथ ऊपर निकाले यहाँ पे नजर आ रहा है और इसके अलावा अन्य लोग भी यहाँ पे फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि 6 लोग जो है वो इस मलबे में दबे थे, जिसमें कुछ लोगों को बाहर निकाला गया है और एक शख्स अभी यहाँ पे आपको दबा हुआ नजर आ रहा है, जो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पे वो मदद की गुहार लगा रहा है। हालांकि जो रेस्क्यू टीम है वो मौके पर पहुंच चुकी है और वो उस शख्स को निकालने की यहाँ पर कवायद कर रही है। ये 3 मंजिला बिल्डिंग बताई जा रही है कि ये बिल्डिंग थी, इसके चपेट में सामने की बिल्डिंग भी आई है। 22-22 गज की बिल्डिंग है, ये एक दूसरे से काफी सटे हुए हैं, संकरी बिल्डिंग है ये। फिलहाल सुबह के वक्त बताया जा रहा है कि 8 बजे बिल्डिंग गिरी थी और यहाँ पे अब रेस्क्यू कार्य चल रहा है। घटना को लेकर चश्मदीद ने क्या बताया है ये भी सुनिए। जिस जगह बिल्डिंग गिरी है उस बिल्डिंग के ठीक बगल में जो घर है उसमें रहने वाले एक रेजिडेंट हमारे साथ हैं। सर, क्या हुआ था सुबह और इस बिल्डिंग की क्या हालत थी? क्या पहले जर्जर हालत में थी? नहीं सर, ये अभी इसको बिल्डिंग को 5-6 साल हुए बने हुए और हालत बुरी थी, ढंग से बना नहीं था ये मकान। तो जो बारिश जो हुई थी अभी 10-12 दिन पहले पीछे, तो उस दौरान इसमें पानी बहता चला गया। तो ये बिल्डिंग अपनी, यहाँ से हम देखते थे छत पे आके, तो वो बिल्डिंग अपनी जगह छोड़ रही थी। उससे हमने, जो मालिक है जिन्होंने बनाया था, उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करी मगर उनसे हो नहीं पाया, वो आते ही नहीं थे। तो यहाँ पे मकान मालिक नहीं रहते थे? नहीं, वो देवनगर रहते थे। देवनगर रहते थे, यहाँ पे सारी लेबर रहती थी जो काम करती थी। जिस वक्त बिल्डिंग गिरी है कितने लोग मौजूद है उसके अंदर होंगे? इसमें कम, उस टाइम सुबह का टाइम था, मिनिमम 8-9 बंदे तो होंगे कम। कुछ लोग बाहर निकले भी हैं? अब ये पता नहीं, हम तो घर में थे, हमें आवाज आई, हम सीधा छत पे आए और कुछ नीचे गए अपने घर में। जब तक तो 3 मंजिल गिर चुकी थी ऊपर के। हाँ, और उसमें कारखाने चल रहे थे? कारखाने चल रहे थे, लेबर काम करती थी सारा, इसी में रहते थे, इसी में काम करते थे। ये बिल्डिंग हालत बिगड़ रही थी तो किसी ने इसकी शिकायत नहीं करी एमसीडी वगैरह से? नहीं सर, शिकायत तो मकान मालिक, पहले हम तो मकान मालिक से बोलेंगे ना, वो मिलता ही नहीं था उसको। गली वाले भी बोलते थे, जो आस पड़ोसी, वो भी बोलते थे कि भाई आके देख लो, वो यहाँ से सुनते थे, यहाँ से निकालते थे, आते ही नहीं थे वो यहाँ पे। या किराए लेने आते थे या कोई काम होता था अपना, जब आते थे वो आते ही नहीं थे। क्या नाम आपका? मेरा नाम राजकुमार। जिस तरीके से पड़ोसी हैं, ये राजकुमार जी बता रहे हैं कि जो मकान था ये करीब 5 साल पहले बना था, हालांकि मकान की कंस्ट्रक्शन ठीक तरीके से नहीं हुई थी और मकान मालिक यहाँ खुद नहीं रहते थे, यहाँ पे किराएदार रहते थे और यहाँ कारखाने चल रहे थे। लगातार मकान मालिक से इस बात की शिकायत की जा रही थी कि मकान के अंदर पानी भर रहा है, मकान की जो स्थिति है वो बिगड़ रही है, लेकिन मालिक ने इस बात को अनसुना किया, जिस कारण आज दुखद दुर्घटना सामने आई है जिसमें कुछ लोग फंसे हुए हैं। अभी इसमें क्या बड़ा हादसा हुआ है इसको लेकर भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन अभी किसी की जान की हानि की खबर सामने नहीं आई है। लेकिन बताया जा रहा है कि जिस वक्त ये हादसा हुआ है करीब 8 से 9 लोग इस बिल्डिंग के अंदर मौजूद थे। दिल्ली पुलिस और रेस्क्यू टीम ने अब तक 8 लोगों को बचाया है और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। पुलिस का कहना है कि आशंका है कि अभी कुछ और लोग इसमें फंसे हो सकते हैं। DCP सेंट्रल एम हर्षवर्धन ने घटना को लेकर और जानकारी दी है। 9 बजे के आसपास प्रसाद नगर थाने में इन्फॉर्मेशन मिला रिलेटेड टू अ बिल्डिंग कोलैप्स, और ये बापा नगर एरिया है जो PS प्रसाद नगर के एरिया में पड़ता है, वहाँ से ये इन्फॉर्मेशन मिला था। और इसमें करीब यहाँ पे एक 20 स्क्वायर यार्ड्स के आसपास का एक बिल्डिंग था, 20 स्क्वायर यार्ड्स के एरिया में बना हुआ एक बिल्डिंग था जो कि कोलैप्स कर गया है।
ये बिल्डिंग बता रहे हैं कि काफी पुराना था, इसका एग्जैक्ट डिटेल्स हम सर्टन कर रहे हैं। अभी तक जो है करीब टोटल आठ लोगों को यहाँ से रेस्क्यू करके हॉस्पिटल भेज दिया गया है। अभी भी कुछ लोग और ट्रैप होने का आशंका जताया जा रहा है, जिसके लिए लोकल पुलिस और बाकी सभी एजेंसीज मिलकर इस पे रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम्स भी आ चुके हैं, लोकल पुलिस है, दिल्ली फायर सर्विस की टीम्स हैं और बाकी आप जैसे कि देख रहे हैं लोकेशन इसका ऐसा है कि बहुत ही एक क्राउडेड और नैरो लेन्स हैं जिसमें कि व्हीकल या हैवी इक्विपमेंट आ भी नहीं सकता है, तो इसीलिए रेस्क्यू ऑपरेशंस में दिक्कत आ रही है। बट इसको जितना भी बेस्ट कर सकते हैं सारी एजेंसीज में लगी हुई है एंड वी आर कैरिंग आउट द रेस्क्यू ऑपरेशंस। अभी तक 8 रेस्क्यू हुए हैं और हॉस्पिटल गए हैं वो सारे और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अभी तक किसी के भी डेथ की कंफर्मेशन नहीं है। बिल्डिंग ओनर कौन है और किसके खिलाफ कोई मुकदमा? अभी तो रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद जो लीगल एक्शन होगा उसको लिया जाएगा। कितने लोग ट्रैप हो सकते हैं इसमें? देखिए इसका एग्जैक्ट क्योंकि इसमें कुछ ऐसा बताया गया है कि यहाँ पे कुछ टेनेंट रहते थे जो दिल्ली के बाहर के थे, तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ पर्संस सर्टन कर रहे हैं, सम आर सेइंग 10, सम आर सेइंग 12, तो वी आर असर्टनिंग द एग्जैक्ट नंबर। अभी 8 तो हमने ऑलरेडी रेस्क्यू कर लिया है और इसको फर्दर बिल्डिंग वैध थी या अवैध थी सर? ये तो आई थिंक पूरा एरिया ही अनऑथराइज्ड कॉलोनी है। रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें आप एक बार फिर से देखिए और अंदाजा लगाइए कि किस तरह लोगों का जीवन यहाँ दांव पर लग गया था। वही मीडिया रिपोर्ट्स में यह बताया जा रहा है कि हादसे को लेकर दिल्ली की भावी मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा है कि करोल बाग इलाके में मकान के गिरने से वे दुखी हैं। उन्होंने कहा, मैंने जिलाधिकारी को आदेश दिए हैं कि वहां रहने वाले लोगों और पीड़ितों की हर संभव मदद करें, कोई घायल है तो उसका इलाज कराएं और इस हादसे के कारणों का पता लगाएं। जानकारी के मुताबिक स्थानीय पुलिस और अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर बचाव अभियान काफी देर तक चला और घायलों को अस्पताल में एडमिट कराया गया है।